ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 20 अप्रैल 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:23 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक में, चार ही ट्रेडिंग सेशंस होंगे। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 27 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 9,224। तो जैसे कि आप देख रहे, मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ था कल, और एक आरबीआई ने राहत पैकेज का अनाउंस किया था, उसके बाद ये जस्ट ऊपर गया और काफी देर यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड करते वक्त दिखा था। और आफ्टर यूरोपियन मार्केट स्टार्ट होने के बाद ये फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ भी आया, और हमारा जो सेकेंड टारगेट था उसी के पास ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी एज पर जैसे हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग। हालांकि जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन हो चुके थे और तभी यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना दिया था, ये फर्स्ट टॉप था, बाद में ये सेकेंड अटेम्प्ट था और फिर से ये नीचे आया, तभी इसने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, तब ये लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी था। लेकिन जैसे मार्केट ओपन हुआ था तो ऊपरी लेवल पे ये काफी साइडवेज पैटर्न में चल रहा था, काफी बोरिंग कहा जा सकता है इस मार्केट को। तो ऐसा जब फेज है ये मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे को दिखाई देता है। अगर आप मिनिमम 1 साल से अगर आप मार्केट में है तो आपको, और अगर आप डेली मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि मंडे को मार्केट ज्यादातर सुबह के बाद एक साइडवेज पैटर्न में रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे पास मंडे को मार्केट खुलता है तभी यूएस में संडे नाइट चालू होती है, और यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहां पर संडे नाइट चालू रहती है। तो जैसे कि वहां से काफी बड़े इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स वो इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं, एफआईआईज भी ट्रेड करते हैं, तो इसका असर इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलता है। तो जैसे ही वहां पर संडे नाइट होती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है ट्रेडर्स का वो मंडे को खास तौर पर एक थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर पार्टिसिपेशन। तो एक साइडवेज पैटर्न में मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे को देखा गया है। तो ये जो कल का एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कोई यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं था। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट देखे तो नासडैक फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए, और आज एशियाई मार्केट जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 84 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 120 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। और ताइवान मार्केट देखे तो हल्की सी यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 45 पॉइंट की इस समय गिरावट के साथ ये ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में अभी ये 20 EMA के ऊपर चला गया है, लेकिन ये 50 और 20, ये जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस है, इसके बीच में ये फंसा हुआ है, और यहाँ पर आ रहा है 38.2% का 9390 का लेवल, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसने अभी लास्ट वीक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, अभी कल भी एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये लेवल काफी क्रूशियल होगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ये हमें 10,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि अगर इस पैटर्न को देखें, 9 अप्रैल से ये कंटिन्यूस एक साइडवेज जोन में चल रहा है, एक रेंज बना दिया इसने ऊपर ये 9,390 और नीचे की तरफ ही ये ऑलमोस्ट यहाँ पर।
ये जो लेवल है यानी 9000 के आसपास इसी रेंज के अंदर, ये 300-400 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है, तो काफी साइडवेज पैटर्न है। जब भी ऐसा देखा गया कि ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ये चला जाता है निफ्टी इंडेक्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा ट्रेंडलेस मार्केट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक दो दिन वो गैप अप ओपन होगा, फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आएगा, फिर से ये अपवर्ड का जर्नी स्टार्ट करेगा। तो ये जो लेवल है यानी नीचे 9000 और ऊपर 9390, ये अभी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का यहाँ पर काम कर सकती है। टेक्निकली ये हम ये लेवल को एज अ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मान के चल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ये आपको अगर ओवरनाइट पोजीशन बनाना है तो इन लेवल को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ से कोई ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट में देखिए तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अभी 9390 के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहाँ से ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चला जाता है तो फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा 9970 का। उसके पहला वीकली चार्ट में तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम डेली चार्ट में देखें तो 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है ये ऑलमोस्ट 9760 के पास आ रहा है, यानी 10,000 से पहले यहाँ पर 9750 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो। लेकिन देख सकते हैं आप, लास्ट 2 टाइम्स इसने अटेम्प्ट किया था 9390 को ब्रेक करने के लिए। आज क्या ब्रेक होगा या फिर ऊपर ओपन होके फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये अभी चौथी बार, तो इन 4 अटेम्प्ट्स को इसने फेल कर दिया, यानी 9390 के ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसने यहाँ पर टोटल फेल्यूअर दिखा दिया है। तो ये जो लेवल है आज का, ये जो R1 पिवट पॉइंट का लेवल है 9354, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9386, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9411, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो कल का ये जो लो है यानी ऑलमोस्ट 9247 48 को अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर जस्ट 20 EMA आ रहा है, फिर कल का लो आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर 2-3 दिन पहले एक सपोर्ट टेस्ट किया था, लंबा टेल छोड़ दिया था इस कैंडल ने आर्ली चार्ट में, और 3-4 दिन पहले देखे तो इस लेवल के पास तो ट्रिमेंडस सपोर्ट इसने टेस्ट किया था। तो ये काफी क्रूशल लेवल होगा आज के लिए, अगर ये 9248 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये S1 का पिवट पॉइंट का लेवल, छोटा है, एक क्विकली हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9228 और सेकेंड टारगेट होगा 9198, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।